दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल NK क्लासेज में। तो चलिए आज समझते हैं प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2023 का मॉडल नंबर पेपर फर्स्ट, जो कि हमारे सामान्य ज्ञान से संबंधित है और ये आने वाले हमारे एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसको प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार तरीके से देखिए और समझिए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक बल्लेबाज कितने तरीकों से अपना विकेट खो सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर बल्लेबाज की बात हो रही है, वो कितने तरीकों से आउट हो सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन है हमारे पाँच, ऑप्शन है 5, 10, 15, 20। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक बल्लेबाज 10 तरीकों से आउट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरंडम एक खनिज है। तो प्यारे विद्यार्थियों कोरंडम एक खनिज है। तो ऑप्शन है हमारे पास कैल्शियम, सोना, आयरन, एल्युमिनियम। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह राज्य जो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर चाय की बात हो रही है, तो चाय में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। ऑप्शन है हमारे पास तमिलनाडु, असम, केरल और कर्नाटक। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आसाम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है, जब अध्यादेश, नियम, कानून, उद्घोषणा। तो प्यारे विद्यार्थियों इनमें से कौन सा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जब क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन अध्यादेश, नियम, कानून, उद्घोषणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अध्यादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद की शक्ति निर्धारित होती है। ऑप्शन है हमारे पास राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, संसद द्वारा, संविधान द्वारा। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, ऑप्शन है जे जे थॉम्पसन, रदरफोर्ड, ब्रह्म, चैडविक। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर, चैडविक द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग कार्य में किया जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास थर्मिओनिक उत्सर्जन, परमाणु संलयन, परमाणु विखंडन, और इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर, परमाणु विखंडन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरापाषाण विज्ञान किसका अध्ययन है, यानी कि जो हमारी पुरापाषाण विज्ञान है उसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास जीवाश्म का, हड्डियों का, जानवरों का और या पक्षियों का। तो प्यारे विद्यार्थियों पुरापाषाण विज्ञान में हम जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमाइलेज निम्न पर कार्य करता है। तो ऑप्शन है हमारे पास लिपिड, तेल, स्टार्च, ग्लूकोज। तो प्यारे विद्यार्थियों एमाइलेज स्टार्च पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे में सक्रिय कोशिका विभाजन पाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन है हमारे पास जड़ों और अंकुरों की युक्तियों के द्वारा, मज्जा कोशिकाओं द्वारा, कोशिका कॉर्टेक्स द्वारा, इंटरनोडल क्षेत्र द्वारा। तो प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जड़ों और अंकुरों की युक्तियों द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है। ऑप्शन है हमारे पास बी, सी, डी, ई। तो प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन ई, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था। तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन है हमारे पास 1811 में, 1858 में,
1885 में 1895 में। तो प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जे, राइट आंसर 1885 में किसकी स्थापना की गई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोचीन के नेता जिन्होंने वेलु थम्पी दलवा के साथ लड़ाई लड़ी थी, तो इसके ऑप्शन है हमारे पास कुनहली मरारकर द्वारा, पलियात यचन द्वारा, पजहसी राजा द्वारा, चिरक्कल राजा द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जे राइटन, पलियात अचन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन है हमारे पास स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी राजाराम मोहन राय जी द्वारा, रामकृष्ण परमहंस द्वारा और रामकृष्ण परमहंस द्वारा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय कौन था। तो ऑप्शन है हमारे पास लॉर्ड कार्नविल, अगला लॉर्ड रिवन, लॉर्ड कैरिन और लॉर्ड डलहौजी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर, लॉर्ड कैनिन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्नौज के दरबार की अध्यक्षता करने वाला पहला राजा कौन था। ऑप्शन है हमारे पास समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्ष, कनिष्क। प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हर्ष द्वारा। कन्नौज के दरबार की अध्यक्षता करने वाला पहला राजा कौन था, वो हमारा हर्षवर्धन था। यानी कि हर्षवर्धन कहाँ का राजा था, ये कन्नौज का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की मध्य परत कौन सी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी की बात करें तो उसकी मध्य परत कौन सी। ऑप्शन है हमारे पास सियाल, सीमा, कोर, मेंटल। तो प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी को मुख्य रूप से तीन परतों में बांटा गया है। पहली परत ऊपरी परत, जिसे भूपरपट या क्रस्ट कहते हैं। दूसरी परत मेंटल या सीमा के नाम से जानी जाती है। और लास्ट वाली परत कोर या क्रोड के नाम से जानी जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि इसके मध्य परत की बात करें तो इसके हमारे बी भी राइट आंसर होगा और डी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मेंटल मध्य परत होती है और मेंटल के अंदर सिलिकन और मैग्नीशियम सर्वाधिक पाया जाता है, इसलिए इसे सीमा भी कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, कन्फ्यूज नहीं होना है, मेंटल भी सही कहा जाता है और सीमा भी इसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वत बना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हिमालय पर्वत किससे बना है। ऑप्शन है हमारे पास अंतर्वेदी चट्टानों के द्वारा, बाहर निकलने वाले चट्टानों के द्वारा, तलछटी चट्टानों के द्वारा और रूपांतरित चट्टानों के द्वारा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हिमालय पर्वत कैसे बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रूपांतरित चट्टानों के द्वारा, जिन्हें हम तीसरी प्रकार के चट्टान भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी की सबसे प्रमुख वितरिका कौन सी है। तो प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन है हमारे पास यमुना, रामगंगा, गोमती, हुगली। तो प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी की सबसे प्रमुख वितरिका है हुगली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह नेता जिन्हें भारत का महान बूढ़ा आदमी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसका तो आप राइट आंसर सभी जानते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, दादा भाई नौरो जी को, बाल गंगाधर तिलक जी को या विपिन चंद्रपाल जी को, बताओ इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विपिन चंद्रपाल जी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है। तो ऑप्शन है हमारे पास श्रीलंका, पाक जलडमरू मध्य, मालदीव और निकोबार द्वीप समूह। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत का सबसे दक्षिणतम भाग कौन सा है। तो प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन देखिए, नागरकोइल, अडवार, मदुरा, त्रिची।
तो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अडियार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह नहीं है? तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन है हमारे पास पारादीप, मार्मगोव, मंगलोर, कांडला। तो प्यारे विद्यार्थियों भारत के पश्चिम तट पर कौन सा बंदरगाह नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारादीप। पारादीप कौन से तट पर है? ये हमारे पूर्वी तट पर स्थित है। मार्मगोव, मंगलोर, कांडला ये सभी हमारे पश्चिमी तट पर बंदरगाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर लगा लो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रावणकोर विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्यारे विद्यार्थियों त्रावणकोर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है हमारे पास 1935 में, 1937 में, 1939 में, 1941 में। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1937 में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह राज्य जो अभ्रक का प्रमुख उत्पादक है? तो प्यारे विद्यार्थियों अभ्रक का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो अभ्रक सर्वाधिक हमारे प्यारे राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है, यानी कि सर्वाधिक राजस्थान में इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित होता है? ऑप्शन है हमारे पास एडस द्वारा, गोनोरियो द्वारा, सिफिलिस द्वारा और ये सभी द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ये सभी, यानी कि एड्स द्वारा, गोनोरियो द्वारा और सिफिलिस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 मार्च 2006 को एक ज़ोरदार भूकंप आया था, क्यों आया था और कहाँ आया था? अब देखिए कहाँ आया था ये बात हो रही है। ऑप्शन है हमारे पास माउंट किलिमंजारो में, माउंट मेरापी में, वेसुवियस में और बैरन द्वीप में। तो प्यारे विद्यार्थियों 27 मई 2006 को एक ज़ोरदार भूकंप आया था, कहाँ आया था ये हमारा, कहाँ आया था? माउंट मेरापी के अंदर, ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह वर्ष जिसमें डाक टिकट पहली बार पेश किया गया था? तो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर लगाने से पहले हमें ऑप्शन जानना ज़रूरी है, 1840 में, 1845 में, 1850 में और 1855 में। तो प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 1840। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दृष्टि वैषम्य के मामले में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन है हमारे पास अभिसरण लेंस का, अपसरण लेंस का, बेलनाकार लेंस का और द्विफोकसीय लेंस का। तो प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है दृष्टि वैषम्यता के रोग के निवारण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव द्वारा अब तक पहचाने गए नक्षत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो प्यारे विद्यार्थियों नक्षत्र कितने होते हैं? ऑप्शन है हमारे पास 48, 58, 78, 88। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर, 88।